अब खुद हमारे साथ रमेश प्रभु जी जुड़ चुके हैं, जो कि फिफ्थ NCRWA के जनरल सेक्रेटरी है। इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज वो होल्ड करते हैं, और जो हाउसिंग सोसाइटी है महाराष्ट्र और मुंबई में, उसमें उनका खासा योगदान रहा है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आप आज का जो ये प्रोग्राम था उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, पहला बार हिंदुस्तान का वेस्टर्न साइड में हम लोग फिफ्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो रेसिडेंट वेलफेयर के लिए निगड़ित है। और इस कॉन्फ्रेंस जो है, इसमें अलग अलग हाउसिंग सोसाइटी है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनका क्या क्या इश्यूज़ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें खास करके रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को जिस तरह से अन्याय किया जा रहा है, जैसे कि आपको सॉलिड वेस्ट जो है अलग अलग सेग्रीगेशन किया जाए, नहीं किया तो उसके ऊपर पेनल्टी किया जाएगा, आपका कचरा उठाया नहीं जाएगा, इस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह लेने के बाद भी म्यूनसिपालिटी जो करे वो गलत है। तो हमें एकजुट होके कोई काम करना है। इसके लिए हमने क्या किया, इस कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर को, ब्यूरोक्रेट्स को, मतलब कमिश्नर को, और आम नागरिक को लाकर उसके सामने हमारा जो इश्यूज़ है वो रखने वाले हैं, और हमारा कुछ मांग है वो हम उनके सामने रखने वाले, ताकि ये जो मतभेद है वो निकाल कर, तो जिस कारण से एक गवर्नमेंट बॉडी बनी है वो नागरिक का सेवा अच्छे तरह से किया जाए। तो ये रेसिडेंट वेलफेयर मुंबई में फिफ्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला है। इधर भारत का अन्य रेसिडेंट वेलफेयर जिन्होंने अच्छा काम किया उनको अवार्ड भी दिया जाएगा, उनको भी हम स्वागत किया है। और इसमें लगभग 1000 के ऊपर रेसिडेंट वेलफेयर के प्रतिनिधि लोग आकर इसमें सहभाग होने वाला है। प्रभु सर, आपको क्या लगता है कि लाइक मुंबई जो है, मुंबई जैसा जो बड़ा महानगर है, उसमें हाउसिंग के लिए एक क्या प्रॉब्लम है, और अगर जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं या फिर जो बिल्डर्स हैं वो मुंबई के अलावा और कौन सी ऐसी जगह पर एक सबसे एक यू नो ऑप्शन के तौर पे वो डेवलप करे, ताकि इस सिटी में एक प्रेशर कम आए और लोगों को घर आराम से मिल सके। देखिए, पहली बार ये जो कॉन्फ्रेंस है वो भाटियावाड़ी हॉल, जो घाटकोपर ईस्ट में 18 और 19 नवंबर को सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक है। और इसमें हमने एग्जीबिशन भी रखा है, जो कि अलग अलग वेंडर्स लोग आप जो अलग अलग जगह जाने की जगह में उधर ही उपलब्ध होगा, ताकि हाउसिंग सोसाइटी को कामकाज अच्छा होगा। अभी दूसरा आपने जो सवाल किया उसके बारे में, कि हाउसिंग सोसाइटी मुंबई में यदि अच्छे तरह से होना चाहिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा सुविधा होना चाहिए। इसके लिए जो मुंबई में बड़ा बड़ा जो स्टॉक मार्केट है या आपका मंत्रालय है, इसको आप अभी रायगढ़ में शिफ्ट किया जाए। यदि वो रायगढ़ में शिफ्ट होता है तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रेशर है वो कम होगा। नहीं है तो जो एल्पिस्टन रोड में जो स्टैम्पेड हुआ वो हर रेलवे स्टेशन में हमें कोई ना कोई 6 महीने में 1 साल देखने को मिलेगा। और उसी तरह से आप देखेंगे, इवन मेट्रो अब जाते हैं जो वर्सोवा और घाटकोपर का, वो भी विरार से भी गया गुजरा हुआ है, क्योंकि उतना भीड़ है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, इसका किधर ना किधर रोक जरूरी है। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मेट्रो अलग अलग आ रहा है उसका अच्छा तरह से होना चाहिए। और दूसरा हम ये बता रहे हैं कि रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को एक कॉन्शियशियल राइट दिया जाए, ताकि म्यूनसिपालिटी बहुत बड़ा हो गया, लोग बड़े हैं, तो छोटे छोटे एरिया के अंदर रेसिडेंट वेलफेयर करते हैं तो 100 रुपया यदि गवर्नमेंट को मिलता है या म्यूनसिपालिटी को टैक्स मिलता है, उसमें 20% रेसिडेंट वेलफेयर आप देते हो, तो उससे रेसिडेंट वेलफेयर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मिलके उधर का एरिया का अच्छा तरह से कामकाज कर पाएंगे। ये भी हमारा एक मांग है। सरकार की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, मंत्री जी क्या कहते हैं जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं? देखिए, आज के तारीख में उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में सहभाग होने के लिए राजी हुए हैं, और वो दिल्ली से इधर प्रोग्राम में भी आ रहे हैं, लोगों का समस्या सुनने के लिए तैयार है, तड़पा रहे, और वो सुनने के बाद उसका जो भी अच्छे तरह से इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो देने का वादा किया है। इसके वो खुद आ रहे हैं, समझ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ बदलाव आ जाएगा। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपकी जो जो डिमांड्स है वो सब पूरी हो और जो सोसाइटी है उनको कुछ अच्छा मिले सरकार की तरफ से। इस वक्त कैमरा पर्सन महेश सावंत के साथ प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट के लिए।